Singh Chauhan. मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्वता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान दशकों पहले हवाई चप्पल पहने एक लड़का जो अपने ही घर वालों के खिलाफ आंदोलन करता था उमा भारती के पैर पड़ने पहुंचा, कहा दीदी मुझे बहुत ऊपर जाना है। उमा भारती ने पैर पीछे खींच लिए। शिवराज सिंह चौहान सहजता सरलता और सहजता सरलता के साथ संगठन जो कहे, एक राज्य के मुखिया के पद को बहुत आसान तरीके से छोड़ देना और अब दिल्ली की गलियां। श्रीमती निर्मला सीतारमण, I Nirmala Sitharaman do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. That I will finish faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the sovereignty and integrity of India. That I will finish faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. निर्मला सीतारमण, पैसे नहीं है चुनाव लड़ने से इनकार, ये कहकर सुर्खियों में आई। रुपया जब अवमूल्यन पर आमादा था उस वक्त लगाम कसने से लेकर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था का जिक्र, प्याज लहसुन नहीं खाती, ये कहकर विपक्ष के निशाने पर। I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right
to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. सुब्रमण्यम जयशंकर, कनपुरिया लैंग्वेज में ज्यादा चौधरी ना बनो बे, इससे पूरी विदेश नीति और कूटनीति के लिहाज से विकसित देशों की जमीन पर बोलना इनके कार्यकाल में आपने सुना। सुब्रमण्यम जयशंकर। श्री मनोहर लाल, मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोहर लाल, दो बार हरियाणा की जिम्मेदारी इनके पास रही और अब केंद्र में मंत्री पद की जिम्मेदारी मोदी के करीबी। जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी, गूगल भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाया। इन्हीं फैसलों ने बताया कि बीजेपी ठोस, बड़े और कड़े फैसले ले सकती है, लेती है, लेती आई है। मनोहर लाल अब केंद्र में मंत्री। श्री एच डी कुमार स्वामी, हाय हरदनहळ्ळि देवेगौड़ कुमारस्वामी, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanarali Devegoda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become
known to me as a minister for the union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. श्री पीयूष गोयल मैं पीयूष प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पीयूष गोयल पार्टी के फैसलों का न सिर्फ बयानी तौर पर, जबानी तौर पर, बल्कि तर्क के सहारे जवाब देने वाले पीयूष गोयल, सारे स्ट्रांग पोर्टफोलियो, चाहे वो रेल हो, कोयला हो, वाणिज्य हो, वो संभाल चुके हैं। कारोबारी परिवार से आते हैं, मुंबई से चुनाव जीते हैं।